सो हाय फ्रेंड, तो कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस राइडर पर सोफेन। एंड मतलब कि जो वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो चॉकलेट बीट के ऊपर वीडियो है। और मतलब बीट के ऊपर एक क्या है वीडियो है आपको बता देना। आप तो टाइटल और थंबनेल लेकर समझ ही गए होंगे। चेवरोलेट बीट का सर्विस करने जा, मतलब ऑयल चेंज करने जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आफ्टर मार्केट से एक बार ऑयल चेंज करके देखते हैं कैसा होता है और कितना कॉस्ट पड़ता है। सर्विस सेंटर में तो कॉस्ट ज़्यादा है, उसके कारण सोचालते और देखते और आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, अभी आप कार देख सकते हो और कार का जो बाहर का हालत है वो एक बार आपको दिखा देता हूँ चारों तरफ। और पहले फ़ोन से आपको दिखा रहा हूँ और साइड का भी लुक आपको दिखा देता हूँ एक बार। और मिट्टी वगैरह लगा हुआ है कार पे और कैमरा में उतना जस्टिस नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसके वजह से उतना नहीं समझ आएगा। सो इधर साइड का भी जो लुक है वो आपको दिखा रहा हूँ। सो अभी चलते हैं और जो इंजन का साउंड है वो एक बार आपको सुना देता हूँ, मतलब इंजन ऑयल चेंज करने के पहले कैसा साउंड है वो एक बार आपको सुना देता हूँ। सो अभी चलते कार के अंदर और गाइस अभी इंटीरियर देख सकते हो कैसा है। और जो इग्निशन है उसको ऑन कर लेता हूँ पहले। गाइस देख सकते हो जो की है वो ऑन कर लिया हूँ। और बैटरी का भी थोड़ा सा इशू है, उसके वजह से स्टार्ट उठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। वो देखते हैं, वो भी इस प्रॉब्लम सॉल्व करने के मतलब कोशिश करूँगा। और अभी आप गाइस देख सकते हो कितना किलोमीटर चला है, 29,336 किलोमीटर चला है। और लगभग आप बोल सकते हो 2000 प्लस किलोमीटर चला है, मतलब इंजन ऑयल जब से चेंज किया था उसके बाद अभी चेंज करने जा रहा हूँ, लगभग 2000 प्लस किलोमीटर चला है। और 1 ईयर हो गया है, मतलब ये जो कार है बहुत कम चलता है उसके वजह से मतलब इतना कम चला है कार। और बस अभी स्टार्ट भी उठ गया है, थोड़ा सा इशू है जो कि स्टार्ट उठने में थोड़ा टाइम लग रहा है। सो अभी बाहर जाके आपको इंजन का साउंड सुनाता हूँ कैसा है। और बस अभी बाहर का जो साउंड है वो आपको एक बार सुना देता हूँ, आप सुनिए साउंड। तो गाइस अभी गैरेज के पास आ ही गया हूँ और देखते हैं और क्या कुछ चेंज होता है, फिल्टर वगैरह सब कुछ आपको दिखाऊंगा। और अभी थोड़ा सा बाकी है रोड, सो चलते हैं और आप वीडियो देखिए। बाय। गाइस गैरेज के पास अभी आ गया हूँ और देखते हैं क्या कुछ होता है और बस अभी चलते हैं। गाइस अभी मैकेनिक के पास आ गया हूँ और जो इंजन ऑयल है वो बाहर निकलने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया है मैकेनिक। और देखते हैं जो इंजन ऑयल है वो अच्छा है या बुरा, सो वो भी आपको एक बार दिखा दूंगा। और एयर फिल्टर भी देख मतलब कि एक बार चेक कर लूँगा सही है कि नहीं। और गाइस देख सकते हो यहाँ से अभी इंजन ऑयल बाहर निकल रहा है और जो इंजन ऑयल है वो बिल्कुल मतलब काला हो गया है। मेरे को तो लग रहा है इसका एक्सपायर डेट ऑन हो गया है, सो उसके वजह से ही पूरा काला हो गया है। और यहाँ पर देख सकते हो इंजन ऑयल फिल्टर जो है वो बाहर निकल दिया है। और ऑयल जो फिल्टर होता है वो यहाँ पर रहता है, यहाँ से अभी बाहर निकल दिया है। और इंजन ऑयल आप जब चेंज करोगे कार का तो आप ऑयल फिल्टर मतलब चेंज करना ही पड़ेगा, ये मतलब ज़रूरी है। और जो डीजल फिल्टर होता है वो भी एक बार चेक कर लूँगा मेरे कार का कि सही है कि नहीं। और एयर फिल्टर भी चेक कर लूँगा एक बार। गाइस देख सकते हो यहाँ पर इंजन ऑयल फिल्टर रहता है। सो अभी देखते हैं डीजल फिल्टर भी चेक करके, वो भी खरीदना पड़ रहा तो वो भी ख़रीदने के लिए जाना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैकेनिक के पास जो ऑयल फिल्टर था और मेरा कार का जो ऑयल फिल्टर है वो आप देख सकते हो। ऐसा ऑयल फिल्टर मतलब चाहिए जो चेवरोलेट बीट डीजल का है वही है। और मैकेनिक के पास जो ऑयल फिल्टर है वो भी एक बार आपको दिखा देता हूँ, इसको अभी रख देता हूँ। और गाइस देख सकते हो मैकेनिक के पास जो ऑयल फिल्टर है वो यही है, आपको एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ कैसा है। और गाइस आपको एक बार दिखाता हूँ। और गाइस देख सकते हो ये मतलब थोड़ा सा इसका जो साइज है डिफरेंट है, उसके वजह से ये नहीं लगेगा मेरे कार पे, उसके कारण मेरे को ख़रीदने के लिए जाना पड़ेगा। और देखते घर के लगभग पास
जो मतलब शॉप है वह पर मिल जाएगा तो अच्छा होगा, नहीं तो मेरे को जाना पड़ेगा कोलकाता पर। और गैस देख सकते हो जो मतलब इंजन ऑयल है बाहर निकाल दिया है और कैसा हो गया है वो आप देख सकते हो, मतलब बिल्कुल ही मेरे को तो लग रहा है ख़राब हो गया है। और एक बार आपको हाथ लगा के भी दिखा देता हूँ कैसा है। गैस देख सकते हो कैसा है, मतलब बिल्कुल मेरे को तो लग रहा है ख़राब हो गया है। सो बस जो हुआ है वो आपको दिखा दिया हूँ। और मतलब लगभग बोल सकते हो 1 ईयर से ज़्यादा हो गया था, उसके वजह से मेरे को लग रहा है ऐसा हो गया। सो गाइस जहाँ पर मैकेनिक का मतलब काम करा रहा हूँ वो भी एक बार आपको जगह का मतलब ओवर व्यू दिखा रहा हूँ। और मेरे घर के लगभग पास ही है और उधर पर सर्विस होता है। और बस चारों तरफ आपको दिखा दिया हूँ। और अभी जो डीजल फिल्टर है उसको भी बाहर निकल दे रहा है और देखते हैं डीजल फिल्टर भी मेरे को तो लग रहा है ख़रीदना पड़ेगा। सो क्या होता है लेक्सी, और यह पर रहता है डीजल फिल्टर, वो भी आपको एक बार बता दे रहा हूँ। और मतलब बिल्कुल फ्यूल के नीचे पर गैस यहाँ पर डीजल फिल्टर नहीं मिला है, मैं ख़रीदने के लिए गया था और डीजल फिल्टर कैसा है वो आप देख सकते हो, और ये बिल्कुल ख़राब हो गया है, उसके बाद ऐसे चेंज करना पड़ेगा। और जो इंजन ऑयल फिल्टर है वो मैं ख़रीद के लेके आ गया था, बट ये भी नहीं लाएगा, इसमें एक अंदर में एक होल होता है वो नहीं है, उसके वजह से मैकेनिक बोल रहा है कि ये नहीं लाएगा। और जो इंजन ऑयल है वो मैं ख़रीद के लेके आ गया हूँ और ये बिल्कुल सही है, कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक स्टार्ट स्टॉप लिखा हुआ है। और ये सुपर सिंथेटिक इंजन ऑयल है, मतलब इसका कॉस्ट भी लगभग आप बोल सकते हो दूसरे जो इंजन ऑयल है उससे ज़्यादा है। गाइस अभी बैटरी भी खोल दिया है और इसको अभी लेके जा रहा हूँ चार्ज करने के लिए, और जो बैटरी का मैकेनिक है उसके पास, और देखते हैं लेक्सी क्या होता है। और बैटरी की हालत आप देख सकते हो थोड़ा डाउन हो गया है उसके वजह से। सो अभी चलते हैं। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो जो बैटरी है वो अभी चार्जिंग में लगा दिया है, और कैसा चार्ज हो रहा है वो भी आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। और गाइस देख सकते हो कैसा जो चार्जिंग मतलब होता है वो आपको एक बार थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। गाइस अभी नेक्स्ट डे है और मैं कोलकाता पे जाके मतलब पार्क स्ट्रीट पे जाके ये तीनों चीज़ खरीद के लेके आ गया था। और गाइस देख सकते हो पहले आपको डीजल फिल्टर दिखा देता हूँ कैसा दिखने लायक है, और इसके लिए ही मेरे को कोलकाता जाना पड़ा मतलब इस दो चीज़ के लिए। और गाइस देख सकते हो डीजल ए है डीजल फिल्टर, जो चिबुलेट बीट डीजल है डीजल कार है उसका ये डीजल फिल्टर है। सो बस ये बिल्कुल सही है। और मैं मतलब जो मेरा पहला जो डीजल फिल्टर था वो भी लेके गया था मतलब अच्छे से दिखने के लिए सही है कि नहीं। और अभी आपको इंजन ऑयल फिल्टर भी एक बार दिखा देता हूँ, और जो ये पार्ट नहीं मिल रहा था मतलब बिल्कुल सेम नहीं मिल रहा था, उसके वजह से मेरे को ये भी ख़रीदना पड़ा। और गाइस देख सकते हो कैसा है, बिल्कुल मतलब जेन्युइन है। और आपको एक बार खोल के दिखाता हूँ कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा था, और नहीं तो मैकेनिक के पास भी था और जो मैं ख़रीद के लेके आया था वो भी नहीं मिला है, कि मतलब कि नहीं मतलब पूरा बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो होल है ये होल उसमें नहीं था और इसमें है, जैसे कि आप देख सकते हो अंदर में जो होल है और यही नहीं था, उसके वजह से मेरे को वो भी मतलब चेंज करना पड़ा। सो बस अभी आपको डीजल फिल्टर मतलब इंजन ऑयल फिल्टर दिखा दिया हूँ। और ये जो है ये रेंच है, और जो कि आप देख सकते हो 36 mm का रेंच, और ये डीजल फिल्टर खोलने के लिए लगता है, उसके वजह से मैकेनिक के ख़रीदने के लिए बोला था उसके लिए ही, मेरे लिए नहीं है। और बस वो भी ख़रीद के लेके आ गया हूँ। और जो इंजन ऑयल फिल्टर है उसका भी MRP आपको दिखा देता हूँ। गाइस देख सकते हो 456 rupees इसका MRP लिखा हुआ है। गाइस अभी चलते हैं मैकेनिक के पास। गाइस अभी मैकेनिक के पास आ गया हूँ, और जो डीजल फिल्टर है वो सही से बैठाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया है, और इसको अभी सही से बैठाने देते हैं, और उसके बाद ही जो इंजन ऑयल फिल्टर है वो भी अच्छे से बैठा देंगे। सो अभी ये जो प्रोसेस है इसको ख़त्म करने देते। और गाइस देख सकते हो फ्यूल का जो टैंक है उसके नीचे पर ये डीजल फिल्टर रहता है, और कहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको कैमरा में उतना जस्टिस नहीं हो पाएगा। सो गाइस अभी जो मेन काम है वो है इंजन ऑयल डालना, और इंजन ऑयल जो फिल्टर है वो सही से बैठा दिया है, और कहाँ पर बैठता है वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। और गाइस देख सकते हो यहाँ पर इंजन ऑयल का जो मतलब फिल्टर है वो रहता है, और वो भी चेंज कर दिया है, और अभी बढ़िया आया है जो इंजन ऑयल मैं ख़रीद के लेके आया था कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक सुपर सिंथेटिक वो ऑयल, वो अभी डाल रहा है। और ये 530 है,
और ये 3.5 लीटर का है, बट ये जो मतलब चेवरोलेट बीट डीजल का जो इंजन है इसमें आपको 3.2 लीटर ही सिर्फ लगेगा। और ये जो इंजन ऑयल है ये थोड़ा सा कॉस्टली है, और नहीं तो आपको 1000 रुपीज़ में भी इसका इंजन ऑयल मिल जाएगा अच्छे से। और ये सुपर सिंथेटिक है, उसके वजह से इसका MRP भी ज़्यादा है, मतलब 1800 रुपीज़ लगभग मेरे को पड़ा है। और बस वो भी आपको बता दिया होगा इस, और अभी चलते जो इंजन ऑयल है इसको सही से डाल देते हैं, और उसके बाद एक बार चेक करके भी मतलब देखेगा कि सही है कि नहीं। और बस अभी ऑयल का कलर भी देख सकते हो, बिल्कुल मतलब योलो जैसा है। और बस इसको अभी डाल ले देते हैं, और अभी मतलब हो गया है मेरे को लग रहा है। सो अभी गैस देख सकते हो गेज भी मतलब एक बार चेक करके देख रहा है कि सही है कि नहीं, और मतलब इंजन ऑयल जो चेक करने का जो चीज़ दिया है उससे। सो अभी देखते हैं कितना मतलब ऑयल दिखा रहा है इसमें। और गैस अभी आप देख सकते हो कैमरा में उतना जस्टिस नहीं हो पा रहा है, आप देख सकते हो मैकेनिक दिखा रहा है इतना तक मतलब इंजन ऑयल आया है, और अभी थोड़ा सा और डाल रहा है क्योंकि वो मतलब जो दाग है वो पूरा होना चाहिए उसके वजह से। सो बस अभी मेरे ख्याल से अभी हो जाएगा, और देखते हैं इस बार चेक करके कितना होता है। सो बस अभी इसको ख़त्म करने देते हैं। सो बस अभी इसको बाहर निकल देते हैं, और अभी चेक करके देखते हैं। गैस अभी यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल सही हो गया है, जो इंजन ऑयल का जो गैस था वो बिल्कुल सही है मतलब। और अभी इसको टाइट करने देते हैं, और बस इंजन ऑयल डालने का जो प्रोसेस था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और ऊपर का जो कवर है उसको भी अभी चढ़ा देते हैं। गैस देख सकते हो ऊपर का जो कवर है उसको भी सही से बैठना होगा, और नहीं तो ये वाइब्रेशन करेगी। और बस अभी जो ऊपर का कवर है उसको भी सही से बैठा दिया है। और गैस यहाँ पर देख सकते हो जो एयर फिल्टर है जो मतलब था वही फिर से लगा दे रहा है, क्योंकि मेरा जो कार का एयर फिल्टर था वो बिल्कुल सही था, इसमें कोई अभी भी प्रॉब्लम नहीं आया है, मतलब ख़राब वगैरह नहीं हुआ है, उसके वजह से यही लगा दे रहा है। नहीं तो ये भी मैं चेंज करने के लिए सोचा था, बट सही है, क्यों चेंज करूँ भाई, उसके कारण यही अभी डाल दे रहा है। और इसको अच्छे से फिटिंग करना पड़ता है, नहीं तो दूसरा जगह से एयर लेगा तो इंजन में दिक्कत आ सकता है, उसके वजह से बोल रहा हूँ। सो इसको अभी सही से बैठाने देते हैं, और उसके बाद मिलता हूँ। गाइस अभी सारा काम ऑलरेडी डन हो गया है, अभी जो लास्ट काम बचा है वो है बैटरी को लगाने का। और बैटरी का जहाँ पर जगह है वहाँ पर मिट्टी वगैरह लगा हुआ था, उसके वजह से मतलब क्लीन कर रहा था। और गाइस देख सकते हो जो बैटरी है वो बिल्कुल सही से फिटिंग कर रहा है। और फिटिंग करने के बाद स्टार्ट करके देखते हैं स्टार्ट उठता है कि नहीं, वो भी आपको दिखा दूंगा। और अभी अंधेरा भी हो गया है, और गाइस अभी देखते हैं स्टार्ट उठता है कि नहीं। सो गाइस अभी नेक्स्ट डे है, और उस दिन अंधेरा हो गया था, उसके वजह से मैं वीडियो शूट नहीं किया था, और अभी आपको वीडियो शूट करके दिखा रहा हूँ। मतलब जो कार का इंजन है वो एक बार आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि स्टार्ट कैसा उठ रहा है। और गाइस देख सकते हो अभी अंदर में आ गया हूँ करके, और पहले इग्निशन जो है उसको ऑन कर लेता हूँ, और अभी जो इग्निशन है इसको ऑन कर लेता हूँ। और गाइस देख सकते हो बिल्कुल सही से ऑन हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखते स्टार्ट कैसा उठता है, और अभी न्यूट्रल पे ही है कार, और मतलब हैंड ब्रेक लगा हुआ है। सो देखते स्टार्ट उठता है कि नहीं, और बैटरी भी चार्ज कर लिया था उसके वजह से, देखते हैं बैटरी का कैसा रिस्पॉन्स है। गैस अभी आप देख सकते हो बिल्कुल सही स्टार्ट उठ रहा है, मतलब थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उतना ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है स्टार्ट उठने में। और यहाँ पर देख सकते हो RPM मीटर जो है एक से नीचे है, और बस आपको भी दिखा दिया हो। और अभी बाहर जाके आपको इंजन का साउंड जो है वो सुना देता हूँ, और बोनट खोल के भी आपको साउंड सुना दूँगा। सो देखते और गैस देख सकते हो, और बैटरी जो चार्ज किया था वो 100 रुपीज़ लगा था मेरे को। गैस अभी देख सकते हो इंजन जो इंजन का साउंड है वो कैसा है, और यहाँ पर रहता है इंजन ऑयल फिल्टर, अभी आप देख सकते हो मतलब दिख रहा है।
उसके बाद जैसे एक बार दिखा दिया हूँ। और इंजन जो ऑयल है ये ऊपर से ढलता है वो भी आपको दिखा दिया था, और जो कूलन है वो भी बिल्कुल सही है गेज। अभी आपको जो इंजन ऑयल है वो एक बार चेक करके दिखाता हूँ, मतलब गेज सही है कि नहीं, और नेक्स्ट डे पे देखते हैं। गाइस अभी देख सकते हो यहाँ पर इंजन ऑयल बिल्कुल सही है गेज, और आपको ऑयल भी एक बार दिखा रहा हूँ गाइस देख सकते हो, और बिल्कुल सही है। और ये सुपर सिंथेटिक ऑयल है, उसके वजह से मतलब ज़्यादा स्मूथ है, और मतलब कार का इंजन ज़्यादा ही स्मूथ रहेगा, उसके वजह से बोल रहा हूँ। गाइस अभी कार को एक्सेलेट करके एक चीज़ दिखाता हूँ, आप देखिए पहले गाइस देख सकते हो यहाँ से कोई भी इंजन ऑयल बाहर नहीं निकल रहा है। और एक क्यू आपको दिखा रहा था वो भी आपको बता देना चाहती हूँ, जब मतलब कार का जो इंजन है वो जब एक्सेलेट करोगे तो यहाँ से इंजन ऑयल बाहर निकलेगा, तो आप समझ जाना उस कार में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, मतलब कुछ इंजन में प्रॉब्लम है, उसके वजह से ही यहाँ से इंजन ऑयल बाहर निकल रहा है। और इंजन बिल्कुल सही होगा तो यहाँ से कोई भी इंजन ऑयल बाहर नहीं निकल रहेगा, उसके वजह से बोल रहा हूँ, आप भी टेस्ट करके देख सकते हो आपके कार में। यही था वीडियो गाइस, और कुछ जानना हो तो मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो। और वीडियो अभी डन हो गया है, और इस कार का मतलब जो ऑयल चेंज है सारा प्रोसेस का टोटल कॉस्ट पड़ा है 3,300 रुपीज़ लगभग लगा है, मतलब जो इंजन ऑयल फिल्टर है और डीजल फिल्टर है और जो इंजन ऑयल है वो लेके। सो गाइस आपको चेवरोलेट बीट का जो ऑयल चेंज का जो सारे प्रोसेस था वो आपको दिखा दिया हूँ, और कुछ जानना हो तो मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं। और एक दिन के जगह 2 दिन लग गया है, क्योंकि मेरा जो मतलब घर है वहाँ पर से सिटी जो है वो 25 से 30 किलोमीटर दूर है, उसके वजह से मेरे यहाँ पर जो चेवरोलेट का जो डीजल फिल्टर होता है और जो ऑयल फिल्टर होता है वो नहीं मिला है, उसके वजह से मेरे को जाना पड़ा है कोलकाता में। कोलकाता का जो पार्क स्ट्रीट है वहाँ पर जाके मैं वो जो डीजल फिल्टर है और जो ऑयल फिल्टर है मैं खरीद के लेके आया था, उसके वजह से ही एक दिन डिले हो गया था ऑयल चेंज करने में, नहीं तो एक दिन में हो जाता है। और थोड़ा सा चेवरोलेट बीट का जो मतलब आप बोल सकते हो चेवरोलेट कंपनी बैंड हो चुका है, उसके वजह से स्पेयर पार्ट्स मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप सिटी से बिलोंग करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, बिल्कुल मिल जाएगा। और आपके वहाँ पर कोई चेवरोलेट सर्विस सेंटर है तो आप चेवरोलेट सर्विस सेंटर से कोई भी काम करा सकते हो, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं अगले बार और उसके आगे भी मतलब जितने बार मतलब ऑयल चेंज किया हूँ वो चेवरोलेट सर्विस सेंटर से ही ऑयल चेंज किया था, उसके वजह से कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुआ है अभी तक। और आज जो मैं आफ्टर मार्केट से जो काम किया हूँ उसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, बस जो हुआ है भाई वो आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और कुछ जानना हो तो मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम में आ जाओ, इंस्टाग्राम में आपके साथ बात करूंगा। सो बस चलते, और यही था वीडियो गाइस। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना माय चैनल पर, इस राइडर पर। और अभी चेवरोलेट बीट के ऊपर रेगुलर वीडियो आएगा, और क्या वीडियो वो तो आपको देख के पता चल ही जाएगा, थोड़ा सा मॉडिफाइड वगैरह भी करूँगा। सो आप वीडियो देखते रहना, स्टे ट्यून। और मेरे साथ मेरे ब्रदर्स भी है, एक बार हेलो बोल दीजिए। हेलो। और बस चलते हैं, और अभी जाऊंगा घर पे। और ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ नेक्स्ट डे पे कर रहा हूँ, मतलब जो ऑयल चेंज है वो करने के बाद। सो बस बाय।